हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना, अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी, देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। राजधानी दिल्ली के आरकेपुरम विधानसभा क्षेत्र स्थित मलाई मंदिर के पास ज़्यादातर लोग झुग्गियों में रहते हैं। इसी बीच मलाई मंदिर के पास झुग्गियों में रहने वाले लोगों के सामने एक संकट पैदा हो गया। संकट इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि झुग्गियों के पास एक सरकारी बिल्डिंग है जो कि काफ़ी सालों पुरानी बताई जा रही है और वह बिल्डिंग टूट कर कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें, बिल्डिंग टूट कर करीब 10 से 15 झुग्गियाँ जो हैं इसमें समा गई और इसके आगोश चढ़ गई। आधी बिल्डिंग हादसे की गवाही दे रही है, लेकिन इसको शासन प्रशासन की तरफ से अभी भी इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें, यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रमिला टोकस हैं, जबकि निगम पार्षद तुलसी जोशी हैं। लोगों का कहना, यहाँ पर कोई भी नेता झांकने तक नहीं आया, जबकि वोट लेने के समय सभी नेता गरीबों की बात सुनते हैं और जब उनका मतलब निकल जाता है तो गरीबों को कोई पूछता भी नहीं। झुग्गियों में रहने वाले लोगों का यही कहना है कि हम हर समय डर के साए में जी रहे हैं और प्रशासन से उन्होंने मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है कि उनकी इस समस्या से उनको समाधान दिलाया जाए। इन तस्वीरों को आप देखकर खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग डर के साए में जी रहे हैं। बहरहाल देखना होगा इस खबर के दिखाए जाने के बाद क्या प्रशासन की नींद खुलती है। आर सोनी न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। साथ ही साथ आप डेली हंट पर भी आर सोनी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दौलत शर्मा की रिपोर्ट। गया हम रोड पर है, हमारे घर नहीं है रहने का और पुलिस नहीं दे रहा बनाने के लिए और मतलब रहने के लिए नहीं है। बिल्कुल घर देख लिया हमारे, टूट गया है, रहने के लिए नहीं है। मेरे को कोई सुविधा नहीं है, कमाने खाने की सुविधा नहीं है, कोई रसाथी नहीं है मेरे को। जो हम रोड पर रोटी बना के खा रहे हैं, हम रहने के लिए नहीं है। जो कोई हमारे कोई अथी नहीं दे रहा, सहारा नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा, नहीं अनिल शर्मा दे रहा, नहीं झाड़ू वाला दे रहा, कोई नहीं दे रहा सहारा। झुग्गी टूट गई इससे? हाँ, हमारे झुग्गी टूट गया है। सामने घर से देखिए, जाके घर में जाके देख लीजिए। अब कैसे आप गुजर बसर कर रहे हैं? गुजर बहना बाहर में रह रही है, बाहर में रोटी बना के खा रही है। अच्छा, कुछ भी नहीं है रहने के लिए। जाके देखिए, घर में जो रहोगे ना दब जाएगा, मर जाओगे। कोई नहीं दिया है मदद, सबसे मांगे हैं, अनिल शर्मा से मांगे हैं, झाड़ू वाले से मांगे हैं, कोई नहीं दिया है। कोई नहीं आया जी, कोई नहीं देखने आया, देख के चला गया है। देख के बाहर से बाहर चले। कितनी झुग्गियां दब गई होंगी यहाँ पर? झुग्गियां 15 झुग्गियां दब गई है। अच्छा, 15 10 11 12 से तो कम नहीं दबा होगा, लेकिन अच्छा थोड़ा सा हमारे सबके ज्यादा नुकसान है। हमारा सब सप्लाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है रहने के लिए। अरविंद कुमार यादव। कब से रहते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे सर हमें 35 साल से ऊपर हो चुका है। ये बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है। इस बिल्डिंग में कोई खोज पुछाड़ नहीं होता है, कोई देख रेख नहीं होता है, लेकिन पब्लिक रहते हैं। ये सरकारी जगह है, छुपी हुई है, गरीबों आदमी आकर के बस गए हैं। उनके ऊपर कब हस्ता हो जाए नहीं हो जाए कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे विधायक जी भी जो भी हैं आरकेपुरम विधायक सिवास क्षेत्र से, वो एक बार भी देखने नहीं आए हैं जो किनके साथ क्या हसरा हुआ है नहीं हुआ है। एक अनिल शर्मा जी थे जो बेचारे, वो आए भी थे और देख के चले गए हैं, लेकिन किसी ने कुछ बोले नहीं। हमारे पब्लिकों परेशान अपने घर बेघर से हो चुके हैं। इनके पास राशन नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, बिजली नहीं है। बीट वाले आते हैं, उनको धमका के चले जाते हैं। बिजली वाले आते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे, वो तब जब जहाँ कहेंगे वहाँ लगा देंगे, लेकिन यहाँ तो समस्या इस चीज की है जो रहने की नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरने के बाद भी कोई देखने नहीं आया? नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरी है। ये 4 मंजिल की बिल्डिंग है, ये कॉलेज था किसी टाइम का। वोट लेने तो नेता आते हैं, वोट लेने नेता आते हैं, सभी आते हैं, सब घर घर घुस करके बोलते हैं। वोट के दिन में सब कोई बोलते हैं, लेकिन उस दिन हाथ जोड़ के जाते हैं, लेकिन आज के दिन हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं तो उनको सुनवाई नहीं है पब्लिक। ना विधायक ना निगम पार्षद कोई नहीं आया अभी? कोई नहीं आया सर अभी तक। दिल्ली सरकार से क्या मांग करते हैं? दिल्ली सरकार से हम यही मांग करते हैं, गरीब आदमी है, इनको घर दें, दाना पानी दें, जहाँ तक चले बने सेवा करें। रिया, कौन सी जगह है? आरकेपुरम सेक्टर 7 मलाई मंदिर कैंप, जे कॉलोनी। ये ट्यूजडे को गिरी है। वो तो लोगों को पहले बता दिया गया था कि घर जगह खाली कर दीजिएगा, काफी लोगों को पता भी नहीं चली थी।
और जब से ये गिरी है पुलिस वालों ने बिल्कुल नहीं सुनी, आके लोगों को बरस रहे जगह खाली करो खाली करो, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? दो साल से लोगों के पास नौकरी चाकरी नहीं है, खाली करने को बोल देगी खाली कर दो यहाँ से। विधायक या निगम पार्षद यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ अनिल शर्मा के सिवा। कितनी झुग्गियाँ इसके नीचे दब गई? कितनी होगी इससे? सात आठ झुग्गी दब गई है इसके अंदर। अभी तक कोई देखने नहीं, कोई देखने नहीं आया। अनिल शर्मा आया था दिया कि हमने झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्के मकान करके दे दिए। कुछ नहीं दिए अभी तक, कुछ नहीं दिए। दिए होते तो लोग यहाँ पड़े होते, मौत के घर में पड़े होते, लोग मौत के घर में पड़े होते। अभी जो मकान दिए होते तो यहाँ थोड़ी ना पड़े होते लोग। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? हमें तो 30-35 साल हो गए यहाँ पर। सब कुछ ऐसी की ऐसे, सब कुछ ऐसी की। सरकार कहती है हमने दिल्ली को बदल दिया, कुछ नहीं बदला है और ना कुछ दिया है सरकार ने। अभी हम लोग तुलसी देवी है देख के गई है ना बहन, और तो कौन आया? पुलिस वाले लोग आया तो कुछ तो बोल के गया, क्या बोल के गया? अच्छा चल साथ ही बोल। हाँ सब से रह रही है यहाँ पे, कितना नुकसान हुआ है? मेरा तो भाई आधा से बहुत सामान नुकसान हो गए, मेरे साथ सामान आधा से ज्यादा चल गया। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मेरे। बस यही है हम लोग का जान बच गया। दुकान था, दुकान मेरा खत्म हो गया, मेरा कमाने धमाने का वही एक साधन था, बिजली का दुकान छोटा सा कर रखा था, वही मेरा साधन खत्म हो गया और कमाए धमाए सब खत्म हो गया ना। एक कोई घर का एक सामान नहीं बचा जो मैं ये करूँ, बस कपड़ा लत्ता के सिवा कुछ नहीं बचा घर में। कोई नेता कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, तुलसी जोशी आई, वो बोली कुछ होगा तो करेंगे, बाकी अभी कोई नहीं आया यहाँ का। जो गुहार लगाएंगे जो कर सकते हैं तो कर सकते हैं जी, हमने गुहार तो लगा रखे।